कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को लेकर चर्चा में रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में अपनी राय रखी है। हाल में यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत और हिंसा के बाद कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर नजर आई थी। यूपी में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की अगुवाई में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़कों पर संघर्ष करती नजर आ रही है। इसके बाद से ही कई राजनीतिक पंडितों ने यह उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस अब मजबूती से कदम आगे बढ़ाने लगी है। इन सारी बातों पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब अपनी राय रखी है। कांग्रेस का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के उठ खड़े होने की उम्मीद लगाना बेमानी है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में सीधे शब्दों में लिखा, लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के त्वरित और स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे लोग निराश हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, दुर्भाग्यवश सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय से घर कर चुकी समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों का कोई त्वरित समाधान नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर की है जब कुछ हफ्ते पहले तक उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। पीके ने इसी साल 13 जुलाई को राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही यह कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम एक बार फिर राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। कई राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को पार्टी के रिवाइवल से जोड़कर भी देख रहे थे। इसके लिए पीके ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक प्लान ऑफ एक्शन भी सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में पार्टी के कई नेता प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन फिर कई नेताओं ने उनके पार्टी में शामिल होने पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी, जिसके बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के बाद हाल में प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक ने यह घोषणा की थी कि वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए गोवा में भी काम करेगी। गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस की एंट्री से नुकसान कांग्रेस का ही होता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के गोवा में कई बार के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरो ने कांग्रेस का दामन छोड़ हाल में ही टीएमसी में प्रवेश किया था। इससे यह तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गोवा में टीएमसी को अगर अपना आधार मजबूत करना है तो उसे कांग्रेस की बलि चढ़ानी ही पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस क्या गोवा जैसा राज्य गंवाना चाहेगी, यह बड़ा सवाल है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर के इस सलाह देते ट्वीट से यह तो साफ है कि पीके और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।